तो ये खंभा देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपकी जान बचा सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब कोई रास्ता नहीं है। तो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं उमलिंगला पास। आज डेट है 19 मई 2023 और 19,000 फीट पे मैं अपनी मोजो के साथ और सुजुकी SX250 पहुंच चुके हैं। यहाँ तक हमारी जर्नी कैसी रही, हम कैसे पहुंचे, आपको देखना है इस ब्लॉग सीरीज में। करते हैं इस ब्लॉग सीरीज को स्टार्ट। हाँ जी गाइज, मॉर्निंग। सो टुडे द डे हैज़ कम व्हेन वी आर डूइंग उमलिंगला पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। सो गाइज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हमें हालने में, दिस वॉज आवर होम स्टे फॉर यस्टरडे नाइट। रात को हम लेट हो गए थे, ले से तकरीबन 8:30-9 के बीच यहाँ पहुँचे थे। रास्ते में बहुत तगड़ा स्नोफॉल मिला, तो आज फाइनली वो डे आ ही गया है जिसका इंतज़ार था कि हम उमलिंगला पास द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इसको करके वापस आएंगे और आपसे पिक्चर्स और वीडियो शेयर करेंगे। सो यहाँ पे जाने के 2-3 रास्ते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऑफ रोड वाले रास्ते से, यहाँ पे किसी ने हमें गाइड किया था, तो रास्ता आपको थोड़ा बहुत दिखाता जाऊँगा। जो मेजर माइलस्टोन है जो आपको पता होने चाहिए वो एक्सप्लोर करके कुछ समझा है हमने लोकल से, और कुछ लोकल ट्रैवल्स भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी तकरीबन 10 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट डन हो गया, पानी वानी भर लिया, लगेज जो है हमने यहीं पर छोड़ दिया था क्योंकि पास हाई है, काफ़ी ग्रेविटेशन फोर्स रहता है और हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन लो, एवरीथिंग। तो लगे छोड़ के बाइक लेके जा रहे हैं सिर्फ। तो समराइजिंगली करते हैं अपनी राइड को स्टार्ट, जो भी चैलेंज आएगा देखते हैं रास्ते में। मौसम क्लियर है, अभी स्नो कल पड़ा था, हिल्स में स्नो दिखेगा आपको मेरे पीछे, अभी थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा यहाँ एक्सपोजर का इशू है। तो करते हैं जी राइड स्टार्ट, रास्ते में करते हैं बात, लेट्स गो। लेकिन आप में से जो भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो पसंद है लाइक कर लेना। और ये जो वीडियो है ये है 19 मई 2023 की, तो बिल्कुल लेटेस्ट आपको वीडियो मिलेगी ये। चलो जी करते हैं राइड स्टार्ट। बिना लगेज बहुत लाइट फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है यार। ये है जी कुछ होम स्टे, यहाँ पे इसी रोड में सारे होम स्टे हैं, आई थिंक 10 के आसपास होंगे, 10 से 12, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना और हो सके तो बुकिंग वगैरह करा के आना, क्योंकि मई में भी हमें कल जो है अच्छे होम स्टे नहीं मिल पा रहे थे, थोड़े एवरेज से मिल रहे थे, तो वो थोड़ा एक डाउनसाइड है। अब उमलिंगला पास इतना पॉपुलर हो गया है कि लोगों को इस साल मेरे को लगता है ज़्यादा लोग यहीं आने वाले हैं। डन रोड इस तरह ख़त्म हो जाएगा इस छोटे से हिल्स के पास, यहाँ से लेफ्ट टर्न जाएगा जैसे वो सामने गाड़ी जा रही है। बैड रोड स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ऐसे चलेगा। ये आप जो गेस्ट हाउस से निकलोगे तो इस तरह से रास्ता जाएगा, लगता है ऑपोजिट जा रहे हैं बट ये रास्ता यही है। ये देखो खंभा नहीं छोड़ना, थोड़ी थोड़ी दूर मिलता है खंभा, कई बार दिखता नहीं है तो घबराना नहीं, सीधा रखना गाड़ी। दीज आर टू पोल्स, बिजली के खंभे, बस भैया ऐसी है रास्ता, रात को मत आना उस यहाँ से। ये देख रहे हो छोटे छोटे खंभे, इसको फॉलो करना है, ये छोटे छोटे खंभे। पहुंच गए हम एक माइलस्टोन में, यहाँ से उमलिंगला दिखा रहा है और हानले वाला जो हम डर्ट ट्रैक करके आए हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट स्टिल मैनेजेबल है। सो जी हानले से जब आप निकलते हो तो ये 14-15 किलोमीटर ये डर्ट ट्रैक है, ग्रेवल्स हैं और बीच में कुछ बाइक्स में तो गाड़ी बिल्कुल फिसल जाती है एक दो बार, तो ऐसा ध्यान से चलना पड़ता है। अब ठीक है, ये दिखा रहा ना जी, क्या था, चीस मुल्ले इज़ 31 किलोमीटर, उसके आगे अपना उमलिंगला।
दिस इज ब्यूटिफुल नूरबुला टॉप 17,388 फीट। एक फोटो लेते चलते। व्यू फ्रॉम द टॉप इज सो ब्यूटिफुल। ये देखो सारे पहाड़ नीचे रह चुके हैं, 17,500 फीट पर खड़े हैं। नाउ डिसेंडिंग। ये है जी गेटवे टू उमलिंगला। यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ उमलिंगला। ये लिखा जी उमलिंगला सीधा। यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड हाईएस्ट कैफेटेरिया ब्रो कैफे, लेट्स हिट इट। कितने बढ़िया रोड बनाई है बीरर में, आप देख सकते हो। बेसिकली ये जा रहा है डैम चौक विच इज चाइना बॉर्डर, बीच में पास पड़ता है उमलिंगला, तो हम तो बस वहीं से वापस आ जाएंगे। आगे तो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ना ये अलाउड है। स्नो मिल गया जी, स्नो। ये सारा फ्रेश स्नो पड़ा था कल, और शुक्र है सड़क पे नहीं अभी तक। आगे का पता नहीं, 15 किलोमीटर रहता है अभी उमलिंगला पास। ओहो, अरे डरो मत। पहुंचने वाले हैं जी हम उमलिंगला पास। हार्डली 500 मीटर रह गया है और मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी है आज मुझे। और बाय चांस आज डेट है 19 मई 2023 और हम खड़े हैं 19,000 फीट पे। ओ मैन, ऑसम। वो सामने दिख रहा है और मेरी बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही है। ऑसम यार, ऑसम रोड्स, ऑसम पास। थैंक्स बीआरओ, थैंक्स इंडियन आर्मी। वो सारा रोड क्रॉस करते आए हम। हियर इज द पास हाईएस्ट पॉइंट। Awesome! Finally made it! देख लो जी उमलिंगला पास। बहुत खुशी है जी। क्या बात है जी। फाइनली दिस इज उमलिंगला पास। जय श्री राम। चल रहे हैं जी वापस हानले की तरफ। ज़्यादा टाइम यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन लेवल होता है कम। सो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया हमने एंड नाउ वी आर मूविंग बैक। सो फाइनली वी कॉन्कर्ड दिस पास। बहुत मज़ा आया यार, फटी भी बहुत थी नो डाउट रात को, स्पेशली तूफान बर्फ़ का। और अब ये हाईएस्ट पास जहाँ ऑक्सीजन कम होता है, और अब मोजो की रिटायरमेंट है, तो ये एक पास रह गया था इसके लिए। और मैं इस बेबी को रिटायर कर दूँगा और छोटे मोटे ट्रिप के लिए रखूँगा।
लो जी एक स्टिकर यहाँ पे भी लगा देते हैं, कहाँ लगाएं, जगह नहीं है। चलो देखो इसमें लिखा क्या है, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, पर वो था सामने उमलिंगला पास जहाँ से अभी हम नीचे आ रहे हैं। एंड दीज आर बाइक्स। वो रहा सामने हानले और जो ऑब्जर्वेटरी है वो चमक रही है, यहीं से दिख रहा है अब तो हानले। अब तो इस रूट के एक्सपर्ट हो गए हम भी। बंजर जमीन, बर्फानी पहाड़, तुम अकेले इस रोड में, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई सड़क नहीं है, ग्रेवल से मिट्टी पे चलते जाओ, बस वो खंबे मिल जाते हैं छोटे छोटे छोटे। और अगर रात का टाइम है तो खंबे सोचो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, और अगर इसमें मिट्टी का तूफान आ गया, ठंडी हवा चल पड़ी या बरसात, तो ऐल लग जाएगा। आपने अगर मेरे शुरू की वीडियो देखी होगी सुबह की, तो हम यहाँ से निकले थे और आगे से उस गांव से घूमते जा रहे थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहीं से देखो ये ZSR का बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड लगाया खंबे पे, जैसे ही आप गांव से निकलते हो यहीं से आप जा सकते हो। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आएगी हल्की सी, बट मैनेजेबल है। तो ये खंबा देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपकी जान बचा सकते हैं, लव यू खंबे। यहाँ पे भाई साहब कोई रास्ता नहीं है। सो दिस इज आवर स्टे फॉर टुनाइट, उमलिंगला रेजिडेंसी। अभी अंदर से रूम दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, थोड़ा वेट कीजिए।